हो रहा है कि जब आप लोग मॉक्स दे रहे हो आप फाइनल टाइम पे, तो आपके मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मिले कि मैम मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, समटाइम्स वी आर गेटिंग गुड मार्क्स, समटाइम्स लो हो जा रहा है. तो अब समझ में नहीं आ रहा कि पेपर में हमारी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी. या फिर मैम एक चीज़ बता दीजिए कि क्वांट सेक्शन को 20 मिनट में हम कैसे टाइम डिवाइड करके यहाँ पर अटैम्प्ट करें. तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम से पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स हर एक एस्पिरेंट को पता होना ज़रूरी है, ताकि आप काश कह के अगले साल के लिए ना रेडी हों कि मैम इस साल रह गया क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं कर पाए. तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए कि अब कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नई क्लासेस नहीं करनी है, जितना पढ़ा है उन्हीं के एनालिसिस करिए, अपने मॉक के एनालिसिस करिए, स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज देखिए, और रहा है प्री की सारी शिफ्ट का उसे नहीं लगाया है तो लगाओ और देखो उसकी आप डीआई अर्थमेटिक कितने टाइम में कर पा रहे हो, बिकॉज वही आपकी रियलिटी है एग्जाम की. बाकी आप अभी इतने टाइम से मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, गाइडली ने आपको वर्स से वर्स लेवल के मॉक्स के लिए रेडी कर दिया पेपर के लिए, ठीक है. लाइव मॉक है, 4 स्लॉट का एग्जाम, मतलब 4 तरह के पेपर आपको मिल रहे हैं. जैसे आपकी 4 शिफ्ट आती है तो इसे जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और फ्री है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब बात आती है क्या, मेमोरी बेस से आप ज़्यादा रिलेट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब मेमोरी बेस पेपर लगाओगे या मेमोरी बेस डी आई अर्थमेटिक करोगे तो एग्जाम में विद इन अ टाइम, रियल टाइम में हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ठीक है. क्योंकि पेपर लास्ट ईयर भी देखा जाए तो आपका मॉडरेट ही था, और इस साल भी वैसे ही आ सकता है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं रहेगा, बट हाँ आपको उस मॉडरेट लेवल तक के लिए क्वांट सेक्शन 20 मिनट में हमें करना है. तो सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कोई न्यू एक्सपेरिमेंट कुछ नया नहीं पढ़ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ है कि आप क्वांट सेक्शन को 20 मिनट में करना है. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके पास स्पीड मैथ्स में अगर कोई चीज़ आती है तो आपको क्या मिलेगा, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, ये आपके 10 से 15 नंबर का आएगा, तो ये आपका 6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए. मैंने टाइम डिविजन बताया है, 1.5 मिनट लगभग आप ते हैं अपना अप्रोक्सीमेशन में, और 2 मिनट आपका नंबर सीरीज में. अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज में टाइम एडजस्ट कर लेना, 30 सेकेंड से ज़्यादा अगर कोई नंबर सीरीज में फंसते हो, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है स्किप, क्योंकि स्किप वाली आर्ट पीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप जाओगे डीआई पर, तो डीआई में देखो 2 से 3 डीआई मिलती है, केसलेट मिलती है, पहले नहीं करना है. हाँ, जो 2 डीआई दिख रही हैं, अगर केसलेट नहीं भी दिख रही तो 2 डीआई जो भी दिख रही हैं आपको क्या करना, डेटा आप जल्दी डिकोड कर पा रहे हो उसको पहले फटाफट आप कर ले, ठीक है. उसको जैसे ही करेंगे आप, अब आप देख आप चूज करिए उसमें से, और जो चीज़ है फैमिली, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, मैंने इतने सारे मैराथन्स भी कराई हैं, आपको वेरिएबल बेस्ड हो, कैसी भी फैमिलियर हो, जो चीज़ें आपने पहले से कर रखी हो उनको प्रायोरिटी पे वो अर्थमेटिक करिए, चाहे वो आप बाय ऑप्शन देख पा रहे हो, मल्टीपल से देख पा रहे हो, या फिर आपने मेथड से किए हुए हैं, रेशियो बेसिक जो भी आप लगा पा रहे हो आप उनको फटाफट करिए, जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जो लैंडी लैंग्वेज होगी उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ आप टाइम वेस्ट करोगे. तो वहाँ से इस तरीके से आप क्वांट का पेपर अटेम्प्ट करोगे. बाकी लाइव कैसे अटेम्प्ट करना है इस पे 7 से 8 क्लासेस मैंने ली हैं, प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. अब लास्ट टाइम पे आपके लिए मिलेगी, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको आता हो, आपने कैसे अटेम्प्ट किया हो, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, तो वहां से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, क्योंकि रियल टाइम अप्रोच हमें सीखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ. 2 अगस्त 3 अगस्त फिर आपका असली युद्ध शुरू है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग खूब अच्छे से पेपर दो और कॉन्फिडेंस के साथ दो. तो अब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस पे आपको वर्क करना है. तो बिल्कुल मस्त होके अब पढ़ाई कर, जितनी कर ली आपने, अब पैनिक मत हो, कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ा हुआ है, जितना पढ़ा हुआ है उसी पे भरोसा करके आप एग्ज़ाम में जाइए और उन चीज़ों को और निखारने की कोशिश. चल रहे हैं प्रीमियम पीडीएफ बंडल पे भी, और प्लैटिनम मॉक टेस्ट 149 का, इसमें सारे मॉक्स मिल रहे हैं, आप चाहे ले सकते हैं.